physics chapter 4 simple machine tanto se la nuestra first chapter la simple machine simple machine mein sabse pehle aapko padhna hai what is working I've already studied the what is working previous chapter theek hai to aapne previous chapter mein work padha tha energy par tha energy chapter tha na energy chapter mein aapne already padha tha lekin hum aap ek baar fir se revise karate hain recall karate hain ki what is work aapko pata hai work kya hai work is to be done ka matlab kya hai ki work hua jab aapke object mein change aata hai डायरेक्शन में चेंज आता है तब आप कह सकते हो कि हाँ वर्क हुआ है ठीक है व्हाट इज वर्क व्हेन वी अप्लाई द फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसकी डायरेक्शन चेंज होता है या फिर वो उसके मूव पे उसके प्लेसमेंट में चेंज होता है तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन ठीक है यूनिट क्या होगा यूनिट का आंसर था टू एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इट प्रीवियस ईयर व्हाट इज पावर होती है आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में जो ऑब्जेक्ट या मशीन में जो भी वर्क का वर्क करने की जो एनर्जी है इन द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी आपके वर्क आपके वर्क करने की जो एनर्जी दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी जो है वर्क करने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी एनर्जी यूनिट आल्सो कॉल्ड द जूल ठीक ये हो गया अब तो अभी आते हैं मशीन व्हाट इज मशीन मशीन आपने बहुत सारी देखी है बहुत सारी मशीन देखी है ठीक है या सिंपल मशीन हो गया मशीन को अगर हम कैटेगराइज करें तो सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है सिंपल मशीन में आपका स्टेपलर है सीजर है नाइफ है ना और बॉटल ओपनर है ये सारी चीज़ें किसमें आती है सिंपल मशीन में लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉल्ड्रम लोड एलिफेंट दीज आर क्लासिफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स ठीक है तो आपका मशीन हो गया आपने बॉडीज पर काम पढ़ लिया एनर्जी पढ़ी मशीन पढ़ी फॉरवर्ड इज अ मशीन मशीन इज अ डिवाइस दैट वर्क दैट हेल्प अस टू वर्क आर इजी ये क्या करता है मशीन क्या करता है हमारे वर्क को इजी कर देता है ठीक है सोचो अब जब हम जैसे हम वर्क को ऊपर जाना है मान लो ऊपर जाने का मतलब जैसे क्या कहते हैं सेकेंड फ्लोर पर जाना है स्टेयर से जा रहे हो लेकिन हम स्टेयर से जा रहे हैं और एक बच्चा उसी ने उसी फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट यूज कर रहा है ठीक है तो कौन जल्दी पहुंचेगा लिफ्ट वाला स्टूडेंट जल्दी पहुंचेगा और स्टेयर वाला देरी पहुंचेगा तो हमारा मशीन जो है हमारे वर्क को ईजी कर देता है फास्ट कर देता है उसकी स्पीड को ज़्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा देता है ठीक है तो मशीन इज अ डिवाइस दैट हेल्प अस व्हाट इज अ मशीन is a device ठीक है एक डिवाइस दैट हेल्प जो हमारी हेल्प करता है दैट हेल्प्स टू मेक आवर वर्क इजियर ठीक है हमारे वर्क को इजी कर देता है अगर मान लो मुझे कोई चीज कट करना है ठीक है हम हाथ से कट कर रहे हैं और एक बच्चा सीजर से कट कर रहा है जिसका वर्क जल्दी होगा सीजर से क्यों ऑब्वियसली क्यों सीजर क्या होगा मशीन है सिंपल मशीन है और मशीन क्या करता है हमारे वर्क को ईजी कर देता है जल्दी कर देता है फास्ट कर देता है तो मशीन से हमारे सबसे पहली बात हम लेस एफर्ट करते हैं आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है प्लस हमारा टाइम उतना किल नहीं होता है ठीक है तो मशीन हेल्प अस टू मेक आवर वर्क ईजियर ये मशीन की डेफिनेशन हो गई ठीक अब इस ऐसा नहीं है कि मशीन एफर्ट नहीं करते हैं मशीन में हम फोर्स नहीं अप्लाई करते करते हैं लेकिन कंपेरिजन अगर करेंगे तो इसमें लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ठीक है ये हो गया नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन दैट मींस इज द रेशियो ऑफ द एफर्ट वर्क डन बाय द मशीन एंड वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट कितना मशीन के थ्रू किया गया है कितना मशीन एफर्ट हम लगाया है दैट इज द रेशियो एफिशिएंसी क्या है एफर्ट और लोड का रेशियो एफर्ट एंड लोड एंड एफर्ट का रेशियो दैट इज द एफिशिएंसी ठीक है
लेकिन इसमें इसको क्लासिफाई किया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, ये आपको पाना है। अब आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा बेटा, एफ एल ई, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको लर्न कर लेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। एफ दैट इज इक्वल टू एफ मींस इक्वल टू, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं फर्दर को फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। एल दैट मींस आपको पता है लोड, एल लोड हो गया, ठीक। ये एफ आई है आपका, और ई आपका क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ई हो गया आपका एफर्ट, ठीक है। अच्छा अब आप हम देखेंगे, अब आपकी आपकी बुक में सो मेनी एग्जाम्पल्स आ गया, ठीक है। अब आप उसको देखेंगे, सबसे पहले एफ एल ई की बात करते हैं। व्हाट इज एफ एल ई, एफ एल ई दैट इज फॉर गन, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये मशीन का जो भी मशीन है आपके, अगर वहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे आपने सीजन देखा होगा, ठीक है, अगर आप सीजन देखा
लेवाइजा